hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so today's video is about the profit try to incorporation chapter and we are going to discuss about the basics of ppi which kind of questions will be expected in the examin examination and what is the base for calculating the time ratio and sales ratio so accordingly uh, if you check the questions of ppi we have uh, 2 3 levels in the paper but usually the basics of the chapter इंडिकेट्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट टाइम एंड सेल्स रेशो सो टाइम और सेल्स रेशो इस पूरे चैप्टर का बेस है और अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम और सेल्स रेशो से ही हमको ये पूरा क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिलने के चांसेस है तो अकॉर्डिंगली इफ यू चेक देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वन विल बी रिलेटेड टू कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्राम फर्स्ट ऑफ जेनेवरी एंड एंड

एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टाइम एंड सेल्स रेशो कलेक्टली तो अगर आपका टाइम और सेल्स रेशियो राइट रहा तो बाकी की सारी चीजें आपकी राइट रहेगी इसलिए बेसिक्स है टाइम और सेल्स रेशो का तो मैं कुछ अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाने वाला हूँ सो so, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ऑन फर्स्ट जानवरी टू थाउजेंड एटीन तो ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया था तो अगर फर्स्ट जनवरी आपका स्टार्टिंग डेट है तो ईयर एंड आपका डिसम्बर होगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ईयर एंड भी दिया है मतलब ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है डेट्स देखने हैं तो अगर हमने ध्यान से देखा तो फर्स्ट जनवरी आपका डेट है इनकॉर्पोरेशन हो रहा है फर्स्ट अप्रैल को सो तो इनकॉर्पोरेशन का डेट हमको ध्यान से देखना है इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट अप्रैल है और एक्वायर किया था बिजनेस फर्स्ट जनवरी को तो जनवरी से हमको गिनना है जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल नहीं गिनना है बिकॉज इट इज़ फर्स्ट अप्रैल तो जैन फेब मार्च अगर हम काउंट करें तो थ्री मंथ्स होते हैं तो जो भी मंथ्स हमारे इनकॉर्पोरेशन के पहले होते हैं उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड जो भी मंथ्स हमारे इनकॉर्पोरेशन के बाद के मंथ्स होते हैं उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं तो जनवरी फेब्रुवरी मार्च मार्च कितने मंथ्स होते हैं थ्री मंथ्स तो थ्री मंथ्स हमारा प्री इनकॉरपोरेशन के मंथ बनेंगे एंड अगर हम अप्रैल से दिसंबर काउंट करें तो वो हमारे नाइन मंथ्स बनेंगे तो आपका रेशियो बनेगा थ्री इज टू नाइन अगर हम थ्री इज टू नाइन को फर्दर रिड्यूस करें तो रेड्यूस हो सकता है थ्री के टेबल में वन इज टू थ्री तो थ्री इज टू नाइन दैट इज बीन रेड्यूज टू वन इज टू थ्री तो थ्री इज टू नाइन इज वन इज टू थ्री तो आपका रेड्यूज uh, करके रेशियो आ रहा है वन इज टू थ्री so this is the first example for calculating the time ratio uh, next example dekhte hai x limited acquired the business of y limited on 1st april to apne abhi yahan pe 1st april liya it's a financial year question to so, 1st april hoga to so year end aapka march hone wala hai तो ध्यान से check करना अभी registration कब हो रहा है registration हो रहा है फर्स्ट september तो so, अभी मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के पहले वाले मंथ्स होते हैं प्री और इनकॉर्पोरेशन के बाद के मंथ्स होते हैं पोस्ट तो अभी हम गिनते हैं अप्रैल से आपको गिनना है अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर नहीं गिनना है क्योंकि फर्स्ट सितंबर है अगेन आई रिपीट अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त तो कितने मंथ्स हुए फाइव मंथ्स आपके फाइव मंथ्स प्री में आएंगे और पोस्ट में कितने मंथ्स आएंगे सितंबर से मार्च गिनना है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च तो सेवन मंथ्स आपके पोस्ट में आएंगे तो आपका रेशो नेक्स्ट एग्जांपल तो देखते हैं आशीष टू कोवर द बिजनेस ऑफ अमित ऑन फर्स्ट अप्रिल and company was registered on 1st july the books of accounts were closed on 31st march time ratio dhundna hai to 1st april se leke 31st march matlab मतलब ye financial year ka question hai to so, 1st april se ginte hai april may june july nahi ginna hai april may june kitne months hue 3 months to so, 3 months hamare pre mein hai तो हमारा post में कितने months होंगे फिर नाइन months होंगे आप अगर गिनोगे तो भी नाइन months आएंगे जुलाई टू थर्टी फर्स्ट मार्च विल बी नाइन मंथ्स तो रेशो क्या बनेगा वन इज टू थ्री तो वन इज टू थ्री विल बी योर टाइम रेशो ओके नाउ सेल्स रेशियो गिनते हैं इसी के बेस के ऊपर सेल्स ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन वॉज डबल ड्यूरिंग डबल एंड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो कैलकुलेट सेल्स रेशो सिंपल ट्रिक बता दो अभी हमने देखा प्री में कितने मंथ्स थे वो हमको नोट डाउन करने हैं प्री में कितने मंथ्स थे थ्री मंथ्स थे पोस्ट में कितने मंथ्स थे नाइन मंथ्स थे क्या बोल रहा है सेल्स ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन वॉज डबल तो प्री के मंथ्स को डबल है तो टू से मल्टीप्लाई करना है थ्री टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और ये नाइन का नाइन क्या हो जाएगा सेम आएगा क्या होगा रेशियो सिक्स इज टू नाइन तो अगर हम थ्री के टेबल से इसको रेड्यूस करें तो थ्री के टेबल से ये रेड्यूस होता है थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जै नाइन तो आपका सेल्स रेशियो क्या बनेगा टू इज टू थ्री टू इज टू थ्री विल बी योर सेल्स रेशियो कैसे किया काफी इजी है फिर से बता हूं तो एक बार सेल्स रेशियो ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया हमारे प्री के जो मंथ्स थे प्री के कितने मंथ्स थे थ्री थे पोस्ट के कितने मंथ्स थे नाइन थे बोला प्री इनकॉर्पोरेशन में डबल हो रहा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से तो प्री इनकॉर्पोरेशन के मंथ्स को टू से मल्टीप्लाई किया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के मंथ को मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर वन से किया तो भी आपको आंसर वही आएगा तो थ्री टू जै यहाँ सिक्स हो जाएगा यहाँ नाइन हो जाएगा तो सिक्स इस टू नाइन आपका सेल्स रेशो है जो आप अगर फर्दर रेड्यूस करोगे थ्री के टेबल में रेड्यूस होता है थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जै नाइन तो आपका क्या होगा टू इज टू थ्री का सेल्स रेशो होगा तो दिस इज दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच आई हैव सॉल्व रिलेटेड टू सेल्स रेशो एज कंसर्न सब्सक्राइब करो चैनल को लास्ट मिनट रिव्यूजन भी आर एस एम और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस आपको कल शाम को छः बजे एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी अबाउट द एग्जामिनेशन फॉर अकाउंटेंसी जो आपका एटीन को पेपर है उसके रिलेटेड एक uh, प्रॉपर कॉम्पैक्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सारे चैप्टर्स बेसिक कवर अप करूँगा जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा एज वेल एज उस बेस पे आप अपने सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड कर सकते हैं सो so, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना देन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर